चतरा के राजपुर थाना क्षेत्र निवासी बीएसएफ जवान अमित कुमार दांगी का पार्थिव शरीर दो दिनों बाद पैतृक गांव छलटा पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर मृतक जवान को श्रद्धांजलि दी। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि जवान गुजरात के भुज में पदस्थापित था, छुट्टी लेकर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान प्रयागराज में ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गए। ये सब में उठा, ट्रेन से कैसे घर जा रहा था, कैसे गिर गया, कहाँ फेंक दिया उसको, मार के उसको जांच किया जाए, हम लोग का कोई पता नहीं। 5 किलोमीटर आगे जाके उसका लाश मिला। बहुत आनंद था कि बेटा मेरा देश का नेता बनेगा, देश का जवान बनेगा। सरकार उसको परिवार का पालन पोषण करे, और नहीं जो बच्ची है उसके लिए जांच हो। और सही का 4 साल 5 साल के बाद में फिर वो जो हुए कि उनका दादा ससुर जो एक्सपायर किए थे उनके क्रम में आ रहे थे। केंद्र सरकार की जितना भी आप लोग जवान है देश, उनको जांच किया जाए और उनका सहयोग आप लोग किया जाए। अमित आज इस दुनिया में नहीं रहा है, और दूसरी ओर हमारे लिए फख्र की बात है कि आज वो बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ते हुए 3 गोली भी उसने अपने सीने में खाया था, और उस समय भी वो मुस्कुराकर हम सबों का अभिवादन किया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद ये घटना है। और हम उनके जो बटालियन है बीएसएफ के जो टीम है उनसे भी आग्रह करते हैं कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। हम सभी प्रखंडवासी चतरा जिला समस्त उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनके हमेशा सुख दुख में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।